स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। 12 मार्च 2024 को पोखरण में आयोजित भारत शक्ति अभ्यास क्या है? ए भारत में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला एक योग और ध्यान कार्यक्रम, बी अंटार्कटिका के लिए एक वैज्ञानिक अभियान, सी भारत की समृद्ध विरासत का जश्न मनाने वाला एक सांस्कृतिक त्योहार, डी स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाला एक सैन्य अभ्यास। आंसर, डी स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाला एक सैन्य अभ्यास। एक्सप्लेनेशन, 12 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोखरण में आयोजित भारत शक्ति अभ्यास का अवलोकन किया। इस अभ्यास ने आत्मनिर्भरता अभियान के हिस्से के रूप में स्वदेशी रूप से निर्मित रक्षा हथियारों की क्षमताओं का प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सेना, नौसेना और वायुसेना की एकीकृत मारक क्षमता और युद्धाभ्यास क्षमताओं पर प्रकाश डाला गया। अगला प्रश्न, फ्लाई 91 क्या है? ए एक नई क्षेत्रीय एयरलाइन, बी एक प्रकार का पक्षी, सी एक काल्पनिक सुपरहीरो, डी एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल। आंसर, ए एक नई क्षेत्रीय एयरलाइन। एक्सप्लेनेशन, 12 मार्च 2024 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक क्षेत्रीय एयरलाइन फ्लाई 91 का उद्घाटन किया। मंत्री ने गोवा में मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे MOPA और लक्षद्वीप के अगत्ती द्वीप समूह के बीच अपनी पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाई। अगला प्रश्न, सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 2023 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन है? ए ईरान, बी पाकिस्तान, सी भारत, डी चीन। आंसर, सी भारत। एक्सप्लेनेशन, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के लेटेस्ट डेटा के अनुसार 2019 से 2023 के बीच भारत दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश है। साल 2019 और 2023 के बीच भारत ने कुल वैश्विक हथियार आयात का 9.8% आयात किया। भारत के बाद सऊदी अरब, कतर, यूक्रेन, पाकिस्तान, जापान, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और चीन है। सिपरी स्टॉकहोम स्वीडन में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। इसकी स्थापना साल 1966 में हुई थी। अगला प्रश्न, पीएम मोदी ने भारत के पहले कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस की आधारशिला कहाँ रखी? ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी पंजाब, डी राजस्थान। आंसर, बी गुजरात। एक्सप्लेनेशन, पीएम मोदी ने धोलेरा गुजरात में टाटा पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्प की चिप फैब्रिकेशन यूनिट की आधारशिला रखी। ये भारत की पहली कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस होगी। इसमें 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक के 3 प्रोजेक्ट शामिल हैं। धोलेरा यूनिट की क्षमता 50,000 वेपर स्टॉक प्रति माह होगी। अगला प्रश्न, भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ए तमिलनाडु, बी गुजरात, सी हरियाणा, डी हिमाचल प्रदेश। आंसर, बी गुजरात। एक्सप्लेनेशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के हसनपुर में मारुति सुजुकी इंडिया के प्लांट में भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन किया। ये रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट मारुति और गुजरात रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट GRIDE के बीच एक सहयोगात्मक पहल है।